Good afternoon, good afternoon. Good afternoon, everyone. How are you? Am I audible and visible to you? Visibility and audibility is clear. Yes, Kavya. Kavya, what's your name? Okay, Kirti, Shashank, Vaishnavi. Okay, Kreet, everything is perfect. Okay, Kavya, what's your name already? Nandita, good afternoon. Nandita Agarwal, good afternoon. Zubi, good afternoon. Mishra, thank you very much. Ritik Verma, good afternoon. So, we were revising actually our topic, that is life processes. Okay, and life processes we have discussed. So, we already discussed the plants. Last time we discussed photosynthesis. The revision classes, so whatever doubt you have, you can ask me clearly. Okay, so we were discussing the photosynthesis, we discussed, and today we are going to discuss human digestive system. Dental caries we also discussed. I'm just waiting for 2-3 minutes to let the student come. Okay. Yes, good morning, Manya. Adi, Behel, good morning, Adish. Good afternoon, Manisha. Stuti, good afternoon. Stuti, good afternoon. Assimilation होता है जब cells जो cells होते हैं उसको use करते हैं. When the cell use the glucose, then it is called as assimilation. Okay, when cells use glucose तब उसको हम क्या कहते हैं? Assimilation. काव्या कहा एक बार बोलने से भी फिर दिख जाता है, दो दिन में मैसेज करने की जरूरत नहीं है. सो एसिमिलेशन पूछा है जो पुराना टॉपिक हमने पढ़ा है उसमें से. सो एसिमिलेशन इज यूजेज यूटिलाइजेशन ऑफ ए ग्लूकोज बाय सेल्स. ये जो सेल्स है जो ग्लूकोज जो ब्लड में एब्जॉर्ब किया है जब ये सेल्स में आता है और सेल्स उसको यूटिलाइज करते हैं फॉर ऑफ कोर्स द फॉर्मेशन ऑफ योर एनर्जी, उसको हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन. ठीक है, इसको कहते हैं एसिमिलेशन. तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज योर good afternoon, Uday.
Vanshika, good afternoon. आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। इसकी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स की हम बात करेंगे आज। और इसमें हम गुड आफ्टरनून नवजोत, तमन्ना, शहजादा, गुरसिमरन, तो हमें पता है डायग्राम मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी प्लीज आप लोग अच्छे से डायग्राम बनाना करो, ठीक है। तो हम एक्टिविटी जो है उसको हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, माउथ। अब एक क्वेश्चन आया था अमाइलेज, पूछा क्या था आपसे कि अमाइलेज, लाइपेज और तीसरा क्या था, तीसरा मुझे भूल गया, खैर। सो अगर आपको याद है मुझे बता दो ये किस लिए यूज होता है, व्हाई वी यूज इट। सो अमाइलेज, अमाइलेज जब भी पूछा जाए, किसी बच्चे ने मुझे कहा था कि मैम अमाइलेज जो है वो पैंक्रियाज में भी यूज होता है, पर जब आपको अमाइलेज आए तो मेक श्योर करो कि अमाइलेज ज़्यादा पैंक्रियाटिक जूस में तो होता ही है, बहुत बहुत होता है, और पेप्सिन, ओके पेप्सिन था थर्ड। तो आप माउथ में, क्योंकि सबसे पहले माउथ में वो सिक्रीट होता है और माउथ में सिर्फ अमाइलेज सिक्रीट होता है, तो अमाइलेज का इम्पोर्टेंस जो है वो वहाँ पर बढ़ जाता है। ट्रिप्सिन पूछा गया था, पेप्सिन या ट्रिप्सिन जो भी था, ठीक है, थैंक यू वेरी मच सब मुझे बताने के लिए। सो माउथ में, अब हम माउथ में पढ़ते हैं, माउथ में सबसे पहले हमको पता है माउथ के पार्ट है, माउथ में हमारे टीथ होते हैं, टंग होते हैं, टीथ फॉर द मास्टिकेशन ऑफ फूड के यूज होता है, एंड टंग होता है मिक्सिंग ऑफ दैट सलाइवा विद फूड, उसको अच्छे से मिक्स करने के लिए यूज होता है। सो ये होता है माउथ, और यूज और होता क्या है, कौन सा एंजाइम होता है माउथ में जो कि कौन सी निर्गत करता है, सेलेरी ग्लैंड, सेलेरी ग्लैंड होते हैं, वी हैव थ्री पेयर्स ऑफ सेलेरी ग्लैंड, हमारे पास तीन पेयर सेलेरी ग्लैंड होते हैं, ये मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ, वी कैन ऐड ऑल्सो, एक हमारे चीक्स में होते हैं, एक लोअर जॉ में होते हैं, और एक हमारे बिलो द टंग पेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो तीन तरह के सिलेरी होते हैं, और सिलेरी कौन सा वो सिक्रीट करते हैं, सुरभी से सिलेरी अमाइलेज, अल्पिता से सिलेरी अमाइलेज, यस दे सिक्रीट सिलेरी अमाइलेज, और सिलेरी अमाइलेज करता क्या है, इट डाइजेस्ट स्टार्च, व्हाट इट डू, इट डाइजेस्ट स्टार्च, वो स्टार्च को क्या करता है, सिक्रीट करता है, ना स्टार्च को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, ठीक है, डाइजेस्ट स्टार्च। उसके अलावा अगर मैं बोलूँ कि क्या करता है, आपका माउथ सॉफ्टन करता है उस फूड को फॉर द इजी पैसेज, ताकि पैसेज जो है वो क्या हो सके, इजी हो सके, इसलिए उसको वो करता है, ठीक है। स्टार्च को तोड़ता किसमें है, इनटू द शुगर, टू शुगर रेट ब्रेक डाउन द स्टार्च। उसके अलावा क्या होता है, इसमें ये सब आता है, ठीक है, और
प्लस फूड प्लस लाइवा, इसको पता है क्या कहते हैं? और मुझे बता सकता है फूड प्लस लाइवा को क्या कहते हैं? एक टर्म यूज करते हैं जब फूड लाइवा के साथ मिक्स हो जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? व्हाट वी कॉल इट एज? If the correct, I got answer from Arpita. First, Pragya eat the banana. No, Udaypuri correct. Shruti correct. Tamanna correct. हम उसको कहते हैं bowlers. उसको हम एक term use करते हैं. जब food हमारे मुंह में होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? Bowlers. ठीक है? So, अब हमें पता चल गया उसको बोलस कहते हैं. एंड दिस इज द फूड विच इज पास्ट. ठीक है, और टंग क्या कहते हैं? टंग मेरा बोला गया इट इज अ मस्कुलर पार्ट जो कि मिक्सिंग ऑफ सलाइवा और फूड में हेल्प करता है. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द माउथ. किसी को कोई डाउट है और माउथ पार्ट के लिए किसको डाउट है? माउथ में आपको थोड़ा बहुत और भी पता होना चाहिए कि जैसे आपके टीथ होते हैं तो कौन मुझे बताएगा काइंड ऑफ टीथ वी हैव? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ वी हैव? थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ते हैं ना. टाइप्स ऑफ टीथ, कितने टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं इन ह्यूमन माउथ? Four. Good Simran. Four. Himani, Arpita, Pratya, Kapya, Srikta, Ipli. Chalo, name them. Now name them. Name all the four kinds of teeth you have in mouth. Toh ye bhi pata hona chahiye. Name them. Arpita. Arpita, name them first. And then Samadhi, Paul also name them. प्रज्ञा, दिव्यांशी, काव्या, समीर, से कौन कौन से होते हैं? इंसीजर, केनाइंस, प्रीमोलर and molar. So we have incisor, canines, premolar and molar. We have four kinds of teeth. Okay? So आपको ये भी पता होना चाहिए बिकॉज कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट काइंड ऑफ टीथ. तो हमें टीथ के बारे में पता है, टंग के बारे में पता है, हमें पता है कि कौन सीक्रीट करता है, कितने सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं. हमें कोई बता दें कि 3 pairs ऑफ रहते हैं. ठीक है, ये भी इनकी लोकेशन भी बता दी मैंने आपको. लोकेशन क्या थी? एक हम बता दें कि एक चीक्स पे होता है, मतलब 2-1 pair इज ऑन चीक्स. देन 1 इज लोअर jaw, okay, one is below tongue,
एक चीक्स में लोअर जॉ एंड लोअर टंग ये सब जो होते हैं दैट आर प्रेजेंट ओके एंड देन वी हैव व्हाट और उसके बाद आपको पता है नेक्स्ट पार्ट जो होता है माउथ के बाद वो हम कौन सा कंसीडर करते हैं इन डाइजेस्टिव सिस्टम बताइए आप इट्स अ रिवीजन सो मैं चाहती हूँ आप ज्यादा आंसर करो मैं आपको जस्ट एक्स्ट्रा चीजें बताऊं चलिए माउथ के बाद कौन सा पार्ट लिखते हैं इसे मुझे लगता है कोई डाउट नहीं है किसी को इसोफेगस व्हाट इज जॉ जॉ इज द सॉकेट दिस बोनी सॉकेट जिसमें आपकी टीथ जो होते हैं एम्बेडेड होते हैं उसको हम कहते हैं जॉ कोई आपका भी कोई क्वेश्चन है लाइक आपके जो आप पढ़ते हो क्या कहते हैं उसको रेफरेंस बुक में कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं पता चल रहा है कैसे सॉल्व करना है तो वो भी प्लीज मुझे बता दीजिए ठीक है नेक्स्ट है ओइस्टोफेगस जिसको इसोफेगस भी कहते हैं वो था करेक्ट नेक्स्ट पार्ट है सेकंड ओइस्टोफेगस इसोफेगस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम वी कॉल्ड एज फूड पाइप पहले तो बात की इसको फूड पाइप कहते हैं दूसरी बात कौन सी खास तरह की मूवमेंट शो करता है ये बताइए नाम आप बताइए और कौन सा एंजाइम सीक्रेट करता है It is made up of muscles. It is made up of muscles. सबसे पहले ये muscles का बना होता है. Esophagus. Yes. So I got answer from many answer. थोड़े ऊपर चले गए तो मेरे मुझे सामने दिख रहे हैं भुवन कृष्णा समरदीप अर्पिता काव्या अनूर अतिशा रुचिका सिमरन सैनी गुरसिमरन समरदीप गुर समरदीप सैन नो एंजाइम तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शो करते हैं कौन सी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मीन लाइक ज़िगज़ैग मूवमेंट ठीक है अगर आपको खास इसके बारे में पूछा जाए आप इसकी ऐसे डायग्राम बनाकर भी शो कर सकते हो ठीक है आपको इक्वल जैसे कि सिक्स लाइन्स आपने ड्रॉ करनी है ठीक है इतना ये ओइसोफेगस सेम साइज का आपने ड्रॉ कर लेना है और फिर आपने एक बार यहाँ पर स्पेलिंग शो करनी है ये पूरा भी यहाँ है मिडल में है और फिर नीचे है इस तरह से इस तरह से मूवमेंट जो है आप शो कर सकते हो ठीक है अगर आपको खास तरह से मतलब कि ये ही अगर आए एंड इज अ पार्ट यस नो डाइजेशन ऑफ कोर्स इसमें कोई एंजाइम नो एंजाइम अच्छा एंजाइम से याद आया व्हाट इज एंजाइम अगर कभी आपसे पूछ लें कि एंजाइम क्या है तो बता सकते हैं कोई एनीवन कृष्णा अरोड़ा
चार के मूवमेंट की डेफिनेशन तो ऐसे नहीं है, बट आप बोल सकते हो द zigzag मूवमेंट shown by the esophagus through the passage while the passage of food, while passaging food, or when food is passing from the esophagus, a special kind of movement shown by the esophagus, zigzag movement is called as peristaltic movement. इस तरह से आप बोल सकते हैं. इसमें पूछा था मुझसे कृष्णा, कृष्णा समझ आपको चल गया. बायोकैटलिस्ट, यस, क्योंकि जो बार करेक्ट बायोकैटलिस्ट बायोकैटलिस्ट इन हेल्पिंग डाइजेशन, नॉट ऑलवेज इन डाइजेशन. अर्पिता ऐसे नहीं लिखना डाइजेशन में ले, इट इज अ बायो कैटलिस्ट. आप लोग भी वर्ड यूज कर रहे हैं बायो कैटलिस्ट, सो मुझे मिला कि व्हाट इज कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या हुआ. आई एग्री कि बायो कैटलिस्ट होता है, बट कैटलिस्ट क्या हुआ. व्हाट इज कैटलिस्ट, यस कैटलिस्ट इज समथिंग व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. सो दिस इज नॉट अ केमिकल, दिस इज अ लिविंग थिंग, बेसिकली मेकअप ऑफ लिविंग यू कैन से बायोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन्स का बना होता है मोस्टली. सो इट इज अ लिविंग बायोमोलिक्यूल व्हिच इंक्रीज द रिएक्शन इनसाइड आवर बॉडी. सो इट कुड बी डाइजेशन, इट कुड बी एनीथिंग एल्स आल्सो, सो डोंट यूज, दैट्स व्हाई आई अर्पिता को आई रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग दैट इट हेल्प्स इन डाइजेशन ओनली. रुसुशा, नो, यू विल नॉट राइट इट दैट इट हेल्प्स इन डाइजेशन. यू कैन राइट इट इन एग्जाम्पल, पर डेफिनेशन में आप ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ डाइजेशन में, क्योंकि सिर्फ डाइजेशन में नहीं, इंक्रीज एनी रेट ऑफ रिएक्शन इन साइड अवर बॉडी. ठीक है, सो दिस इज द बायो कैटलिस्ट. ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट जो इसके बाद इसोफेगस के बारे में हम ये भी लिख सकते हैं, एक तो फूड पार्ट, दो इंसाइड मिला और मसल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ये हो सकते कि कनेक्ट्स माउथ टू स्टमक, माउथ टू स्टमक जो है वो क्या करता है, कनेक्ट करता है, ये भी हम बोल सकते हैं. और अब थर्ड पार्ट जो है वो क्या है, स्टमक है, ये हमें पता है. थर्ड इज कॉल्ड एज स्टमक. तो स्टमक which three things they secrete,
Traction axial mucus. Okay. Ragini. Surbhi. Shashank. Arpita. Pragya. Snigdha. Yes. They secrete three things. That is pepsin, acyl and protein. Corn pepsin, lipra, not pepsin. Acha, food plus saliva bolus on food in stomach. Isko kya kehte hain? Food in stomach ka bhi kuch naam hai. What we call it as? बताइए. जब stomach में food होता है तो उसका भी एक नाम होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कोई बात नहीं. नो नो समाधि कौर शशांक मिश्रा आंसर करेक्ट. स्निग्धा यस. इंदू यस. कृष्णा राइट. ऋतिक राइट. It's called as chyme. जो खाना stomach में होता है और उसको हम chyme कहते हैं. कागज लिए चुवाए हैं भी. चिमन. चिमन क्या होता है? तो बाकी आपको पता है कि एक्सेल की प्रेजेंस में पेप्सिन जो होता है वो एक्टिवेट होता है एंड देन इट डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड्स एंड म्यूकस जो होता है इट प्रिवेंट चलिए म्यूकस का फंक्शन आप लोग बताइए. म्यूकस किस लिए होता है? म्यूकस प्रिवेंट अल्सर्स वो तो ठीक है बट फिलहाल मैंने इस हिसाब से लिखना है. और अच्छे से फ्रॉम व्हाट अदिशा कार्य ने ठीक है. फ्रॉम यस प्रज्ञा प्रिवेंट स्टमक फ्रॉम एसिड. नहीं प्रिवेंट स्टमक यस. शशां म्यूकस फॉर्म्स अ लाइनिंग इन स्टमक टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सियल एसिलिको क्योंकि इसी के अराउंड हो कि म्यूकस फॉर्म अ इनर लाइनिंग बिटवीन द स्टमक एंड इट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम द एक्सिल सिक्रीटेड इन स्टमक ओनली. स्टमक में एक्सिल सिक्रीट होता है उससे बचाने के लिए म्यूकस की लाइनिंग जो होती है वो होती है. ठीक है. अल्सर्स. ठीक है. अल्सर इज अ साइड इफेक्ट. अल्सर ना हो इसकी नहीं, वो सिर्फ जो हमारे
स्टमक लाइन में इरोड ना हो इसलिए म्यूकस की लाइन होती है, समझते समझ आया, अल्सर ना हो इसलिए नहीं, स्टमक की लाइन में इरोड ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उससे क्या हो जाएगा, अल्सर हो सकता है, समझ आए। सो हम ये कह सकते हैं कि इफ नॉट इफ इट विल इट इफ इट इट वुड नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द और इफ द म्यूकस लेयर इट विल इरोडेड देन इट विल लीड्स टू अल्सर्स। ओके, तब हम अल्सर वर्ड यूज कर सकते हैं। सेकेंड चीज ये है, यहाँ पर एक टर्म आ रही है बार बार जो मुझे लगता है मुझे एक दो बच्चों ने पूछी है, स्फिंक्टर मसल्स। स्फिंक्टर मसल्स क्या होते हैं? लेकिन जो हमारे स्टोमिक है यहाँ फिर जहाँ हमारे स्टोमिक स्ट्रू होता है इस तरह से स्टमक, तो यहाँ पर जो इंटेस्टाइन के साथ ज्वाइन होता है यहाँ पर होती है ये स्फिंक्टर मसल्स का बेसिकली फंक्शन ये कि जो फूड यहाँ आ गया है इनका थोड़ा सेपरेशन होती है नीचे की तरफ, ठीक है, तो जो फूड आ गया है वो अब एक ही तरह से वॉल काम करते हैं हमारे हाथ में, वैसे ही स्फिंक्टर मसल्स होते हैं कि ये जो फूड इस साइड आ गया है टुवर्ड्स स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर हम उल्टे भी हो जाते हैं, सपोज कई बार होता है ना हम वज्रासन कोई आसन लगाते हैं या हम उल्टे भी हो जाते हैं तब भी खाना जो है वो बैक फ्लो नहीं करता कभी, इट डज नॉट बैक फ्लो टू दिस मसल्स, इनकी डायरेक्शन ऐसे होती है और मतलब खाना पीछे ना जाएगा तो वो मसल जो है उसको प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। अल्सर इज अ डिजीज, आप अल्सर सिर्फ समझते हैं, अल्सर इज अ वूंड, आप अल्सर्स को जैसे रेशा आप कुछ समझ लो कि कोई एसिड है वो स्किन पे पड़ जाएगा तो वो कैसे वूंड हो जाएगा आपके स्किन के ऊपर, तो वैसे ही अगर आपके इनर स्टमक लाइनिंग में कोई वूंड हो जाएगा ड्यू टू द एसिड सो उसको हम क्या कहेंगे, अल्सर। Yeah, we're done. I can speak louder, of course. समझ आ गया, उसको हम अल्सर कहते हैं। Everyone clear about अल्सर? बॉल ढक्कन होते हैं क्योंकि यहाँ पर तो नहीं होते हैं, जब हम ऑरिकल वेंट्रिकल पढ़ते हैं तो उसमें वॉल्व आते हैं ना, जो ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में वॉल मतलब उसे ढक्कन से लगे होते हैं, that is called as wall. ऑफ कोर्स अल्सर में जब आपको अल्सर हो जाएंगे फिर आप जो भी खाना खाओगे कुछ भी खाओगे क्योंकि वहाँ पर रिएक्शन हो रही हैं, एसिडिक होता है आपका खाना, एसिड क्योंकि जब भी आप खाना खाओगे एसिड रिलीज होना ही होना है क्योंकि पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए एसिड रिलीज होगा, और जब भी आपका एसिड आपकी इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को टच करेगा, जब भी एसिड आपकी स्किन को टच करेगा इट विल इफेक्ट एसिड, एसिड एसिड विल इफेक्ट, इट विल इरोड योर स्किन, इट विल बर्न योर स्किन, और वैसे ही आपको सेंसेशन फील होगी एवरी टाइम यू विल टेक फूड। ये सुरभि सब कुछ बनता है, सब कुछ डाइजेस्ट नहीं हो पाता ना, जैसे आपने देखा कि माउथ में स्टार्च डाइजेस्ट हुआ शुगर मैंने ये बोला, और मैंने बोला कि स्टमक में प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ, सो सारा नहीं हो पाता ना, सारा तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा जो थोड़ा बहुत बच जाएगा प्रोटीन वो अल्टीमेटली कौन काम करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन करेगा, जो थोड़ा बहुत स्टार्च बच जाएगा क्योंकि बहुत स्टार्च बचेगा क्योंकि हम खाना मुँह में ज़्यादा नहीं रखते हैं तो कितना ही टाइम
मिलेगा सलाइवा को आपके फूड में से स्टार्च को डाइजेस्ट करने का, जो तो थोड़ा बहुत स्टार्च रह जाएगा वो भी जाकर कहाँ पे होगा, अर्ली में ही स्टमक में ही डाइजेस्ट होगा। स्फिंक्टर मसल्स आर जस्ट द मसल्स व्हिच अलाउ एक तो वन वे मूवमेंट, एक वन वे मूवमेंट मतलब वन वे मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक टू द इंटेस्टाइन, एंड सेकेंडली इट मतलब इट अलाउ ओनली यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट, इट प्रिवेंट्स और रिफ्रेन द बैक फ्लो मूवमेंट ऑफ द फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू स्टमक, पीछे नहीं आने देता फूड को, सिंगलर मसल्स। जहाँ जहाँ पर नहीं है वहाँ वहाँ पे बन जाएगी, सो बाय मेडिसिन एंड फिर जो अल्सर के पेशेंट होते हैं उनको खाने का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, वो कुछ एसिडिक नहीं खाते, ठंडी चीज़ें खाते हैं जो मतलब एल्कलाइन रखे बॉडी को, ठीक है ना। और वाय चाहिए होता है, वाय कैप्सिन नीड एक्सियल जो भी प्रोटीन हमारी बॉडी में जितने भी इंजाइम्स वगैरह होते हैं वो थोड़े साइलेंट मोड पे होते हैं, ठीक है ना, तो उनको कोई ना कोई एक्टिवेटर चाहिए होता है। अब वैक्सीन को एक्सिल ही चाहिए, उसकी कोई थ्योरी नहीं है पीछे, इट्स नेचुरल थिंग्स। डिफरेंस किसके बीच में डिफरेंस किसके बीच में है कुलदीप और glycogen glucagon and glycogen इसमें तो बहुत दूर से डिफरेंस है। ग्लूकागॉन का एक हार्मोन है, जैसे हमारा इंसुलिन होता है, इंसुलिन पैंक्रियाज जो होते हैं, जो हमारे पैंक्रियाज हैं वो दो हार्मोन सेक्रेट करते हैं, वन इज इंसुलिन और दूसरा हार्मोन है ये ग्लूकागॉन। जैसे इंसुलिन शुगर की लेवल को क्या करता है, शुगर लेवल को लो करता है, और वैसे ग्लूकागॉन जो है वो शुगर के लेवल को हाई करता है, बेसिकली ये दोनों ही काम करते हैं, एक शुगर के लेवल को लो करता है एक शुगर के लेवल को हाई करता है, तो मेंटेन रखते हैं। तो ग्लूकागॉन इज अ हार्मोन, ठीक है, विच बेसिकली रेगुलेट द लेवल ऑफ शुगर इन द बॉडी, एंड ग्लाइकोजन बेसिकली इज द It's a form in which sugar is stored. ये एक form है जिसमें sugar जो होती है हमारी body में लेटर store होनी होती है, तो वो
ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है. दैट्स द बेसिक डिफरेंस. समझ आया? और कोई क्वेश्चन? जिसने ये क्वेश्चन पूछा था मुझे भूल गया किसने पूछा था, क्या आपको समझ आ गया? लेट मी चेक. किसने पूछा था? अर्पिता. अर्पिता को समझ आ गया? जूस कुछ नहीं होता. जूस इज जस्ट इन लिक्विड फॉर्म में एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं, तो उनको जूस कहते हैं. इट्स जूस ओनली. यस यस यस. तो मैं ये बोलूंगी कि सेलुलोज वर्ड आप यूज करिएगा.
कृष्णा अरोड़ा यस तो मैं इसलिए आंसर बोल रही कि सेलुलोज क्योंकि उनकी वो सेलुलोज काफी खास है सेलुलोज होता है कंपोनेंट होता है व्हिच इज नॉट इजीली डाइजेस्टेबल जो कि जीरो ग्रासेस में होता है तो क्योंकि हर्बीवोर्स जो है सेलुलोज डायरेक्टली सेलुलोज देते हैं इट टेक्स मोर टाइम फॉर इट दे रिक्वायर बेसिकली मोर टाइम टू डाइजेस्ट द सेलुलोज सो दे नीड कंपैरेटिवली लॉन्गर इंटेस्टाइन सो दैट फूड कैन बी स्टेड फूड कैन स्टे इन द लॉन्गर इंटेस्टाइन फॉर द लॉन्गर टाइम फॉर मोर टाइम मच टाइम ओके एज कंपेयर टू द फूड प्रेजेंट इन एनी ओमनिवोर्स और एनी कार्निवोर्स ठीक है सो नेक्स्ट जब हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की स्मॉल इंटेस्टाइन हमको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसी चीज है जिसमें तीन चीजें ऐड होती हैं एक होता है बायोजूस आपको पता है कहाँ से आ रहा है एक होता है पैंक्रियाटिक जूस जूस कुछ नहीं है लिक्विड है उस लिक्विड जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स हैं उसको हम जूस कह देते हैं कड़के में कलेक्टिवली और एक है इंटेस्टाइनल जूस जो इंटेस्टाइन खुद सिक्रीट करता है तो बायो जूस आपको पता है कहाँ से आता है बायो जूस जो होता है वो कहाँ से आता है बायो जूस इज कम्स फ्रॉम लिवर लिवर फॉर्म करता है बायो जूस को बट इट इज स्टोर्ड इन बायो सॉरी स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट से इट इज पोर्ड इन द इंटेस्टाइन और पैंक्रियाटिक जूस तो पैंक्रिया से तो बाइल जूस में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं बताइए emulsification of fats. So, वो आपको पता है
compulsive digest नहीं. आस्तिक जोशी don't use wrong word. They don't digest fats. वो उनके पास enzyme ही नहीं है. They break down the fat. They just break down the fats into smaller molecules. उसे fats की जो big big molecules हैं, उसको छोटे छोटे molecules में तोड़ता है ताकि अब उसके बाद कोई एंजाइम अगर आए जो कि पैंक्रियाटिक जूसेस और इंटेस्टाइनल जूस लेके आएगा वो उस पर एक्शन कर सके अच्छे से. सब ने ट्रिप्सिन लाइपेज काम की जो अपने अपने सारे जिन्होंने ट्रिप्सिन लाइपेज तोड़ा है. अभी क्या अभी ये दिया आपने भी सही आंसर बाद में दिया पर मैंने जो जिसने फर्स्ट दिया उसका मैंने बता दिया कितना सारा दिया हो गया. वाह क्या कोई बने. ओके सो पैंक्रियाटिक जूस में क्या प्रेजेंट होता है ये बताइए आप. पैंक्रियाटिक जूस में कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं. चलिए ठीक है सो ये आपको पता है. और इंटेस्टाइनल जूस क्या कहता है. इंटेस्टाइनल जूस व्हाट इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट्स इंटेस्टाइनल जूस को हम क्या कहते हैं कि इट डू द फाइनल डाइजेशन. ये फाइनल डाइजेशन करता है इंटेस्टाइनल जूस जो भी बचा खुचा प्रोटीन है. सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि इंटेस्टाइनल जूस जो होता है वो क्योंकि पेट से जो जूस आ रहा होता है खाना आ रहा होता है काइन वो एसिडिक होता है. ठीक है दैट इज एसिडिक. पहले तो इंटेस्टाइनल जूस मेक इट अल्कलाइन और अल्टीमेट डाइजेशन करता है. आपको पहले बताया था मैंने जिसमें आपको लिखना है अल्टीमेट डाइजेशन. बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर जो कि आपको बुक में नहीं मिले तो हम नहीं करेंगे. लेकिन क्या करता है प्रोटीन को किसमें चेंज करता है और कार्बोहाइड्रेट्स को किसमें चेंज करता है और फैट्स को किसमें चेंज करता है. चलिए बस ये आंसर दीजिए और फिर जाइए आपकी नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो गया. सो दी फैट्स इनटू फैटी एसिड इज ग्लिसरॉल यस एंड प्रोटीन्स acids and carbohydrates go glucose in very good. See, this will be given the answer and yes aapko ye likhna hai ki food ko alkaline karta hai. aap ye likh sakte hain aur ye bhi likh sakte hain ki wo food ko alkaline digestion jo hai wo karwata hai.
चलिए ठीक है फिर, ठीक है फिर, थैंक यू वेरी मच, यू कैन लीव द क्लास। मैंने आपके थोड़े से ज़्यादा मेरे क्लियर, फिर एक क्लास भी होगी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, मंडे को मिलते हैं हम ऑन 12:10 ओनली, एंड देन वी विल कंटिन्यू विद नेक्स्ट विद आवर चैप्टर। और अभी इसका भी थोड़ा सा पोर्शन बचता है, वी विल टेक दैट ऑन। एंड हिमानी ने मुझसे पूछा था फैटी एसिड, तो फैटी एसिड आप ऐसे ही लगा लो बिना किसी सिंपलर फॉर्म ऑफ फैट्स, क्योंकि फैट्स जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं टू फैटी एसिड्स में, एंड विच गिव अस एनर्जी। जैसे बाकी चीज़ें भी हमें एनर्जी देती है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स वगैरह वगैरह, तो फैटी एसिड्स भी हमें एनर्जी देते हैं। बाइल क्या क्लियर नहीं है, बाइल इज सिक्रीटेड बाय द, who make it bile? Bile is made by the liver and it is stored in gallbladder and it is secreted through bile duct. So bile में कोई enzyme नहीं होता, ना ही कोई digestion होती है। Bile just जो fats होता है उसको क्या करता है, emulsify करता है। Bile में होते हैं bile के थोड़े से salts और bile के pigments, no bile enzymes. So, अब क्या डाउट है इसमें, एनीवन कैन लीव, जस्ट काव्या को रहने दो, उसके डाउट थोड़े लिमिट खत्म होते हैं। तो काव्या बताओ उसमें क्या है दिक्कत, बता दिया ना मैंने अभी काव्या, यस यू कैन राइट उज्जवल, of course it is secreted by the fatty cells, absolutely, kada aap kya samajh mein nahi aaya main samjha diya bataiye। Okay samajh, very good, झूठा झूठा मत बोलना। चलिए ठीक है फिर, आई एम एंडिंग द क्लास, थैंक यू वेरी मच। ओके गुड, इफ इट्स क्लियर देन इट्स गुड।